पर बाबूलाल जी का एक बहुत ही घटिया निम्न स्तर का बयान आया प्रधानमंत्री जी के बारे में कि यहां के लोगों को कटोरा लेकर वो घूमने को मजबूर कर देंगे। मैं बाबूलाल जी से जानना चाहता हूं, क्या ये मौका है जब पूरे देश में खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उस समय आप प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां करें? हां, वो कटोरा लेकर जो जिस तरीके से हम लोगों ने आदिवासियों को विकास के मुख्य धारा में जोड़ा, गैस के कनेक्शन दिए, रोडे बनवाई, बिजली दिए, तो उससे आदिवासियों के नाम पर नेतागिरी करने वाले जरूर अगले चुनाव में कटोरा लेकर आ जाएंगे। हम ये बोलना बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम इनसे फिर से अपील करते हैं कि मर्यादा का पालन करें, देश के ऊपर संकट है, ऐसे बयानबाजी का समय नहीं है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि गुरु जी के वो पैर सुबह में छूते हैं और शाम को गाली देते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी गुरु जी का कितना आदर करते हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग होती है और व्यक्तिगत जो ये एक लगाव होता है किसी से वो दूसरा होता है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन से ज्यादा कदर करते हैं गुरु जी की। हेमंत सोरेन ने तो अपनी सीट नहीं छोड़ी थी जब इन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए एक सीट चाहिए थी, और पौलो सोरेन जब सीट छोड़ रहे थे तो हेमंत सोरेन ने यह सुनिश्चित किया कि वो सीट नहीं छोड़े। तमाड़ में कांग्रेस ने गुरु जी को हरा दिया, आज हेमंत उन्हीं की गोद में बैठकर खेल रहे हैं। लेकिन हमारा सब मानना है, इन बातों को हम बोलने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने घटिया बयानबाजी के स्तर को शुरू किया। हम आज भी इनसे अपील करते हैं कि सदबुद्धि लो, सदबुद्धि दे ईश्वर आपको, ये समय देश को एक होकर अपने अंदर और बाहर के शत्रुओं से निपटने का है, ये इस तरह के बयानबाजी का दौर नहीं है। और हम इसे अत्यंत ही ओछी हरकत मानते हैं और ये मानते हैं कि राजनीति को निम्न स्तर पर ये गिराने का कार्य कर रहे हैं। जिस समय देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री के साथ बोलना चाहिए, ये प्रधानमंत्री के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है।